ये देखिए, कभी भी ऐसा सांप दिखे और आप वीडियो को देखकर कभी भी कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे में आपके साथ हादसा होना तय है। ये हम लोगों की ट्रेनिंग है और हम लोगों का थोड़ा सा जो है इन लोगों के प्रति ये प्रेम है जो हम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जैसा कि हम जौनपुर से चल के आज बनारस जिले में आए हैं और इस बनारस के पावन सरजमी को प्रणाम करते हैं और यहाँ के लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलिए, जीवों का जो बचाने का हमारा नाता है उसको निभाते हैं और वो विद्वान है कौन सा उसको लेकर बाहर आते हैं। इससे पहले हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे उन भैया जिसे जिन्होंने हमको यहाँ आने का अवसर प्रदान किया है। भैया जी का नाम जानेंगे, जगह का नाम जानेंगे, ये जिला सारा कुछ बताएंगे भैया जी। इसके बाद चलेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा और उस विद्वान को बाहर लेकर आएंगे। भैया जी अपना नाम बताएं। धर्मजीत यादव। जगह का नाम और अपना जिला भी बताइए। या कठिरा वाराणसी। वाराणसी, जैसा कि भैया जी ने अपना सारा एड्रेस बता दिया है, चलिए वीडियो में बने रहिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है आज। और फटाफट के अंदाज में आ गए हैं, जब से जीवन मिला है मौत तब से पीछा कर रही है। चलिए, हो सकता है ना जाने कौन सा शाम आखिरी आ जाए, जिंदगी को अलविदा कहना पड़े, इस धारा को छोड़ के जाना पड़े। चलिए, इस वीडियो की कड़ी में बने रहिए, देखते हैं सांप कौन सा है। कम ऑन, आइए थोड़ा बताइए सांप कहाँ से है। ये देखिए रसोई है, हालांकि अब तो थोड़ा गैस का भी सिस्टम आ गया है, लेकिन अभी भी हमारे देखिए बनारस जिले में रसोई का मतलब चूल्हा, जो रसों से भरा होता है उसको कहते हैं रसोई। और इस जो चूल्हे पे जो खाना बनता है, ये उपली, ये गन्ने का जो छिलका होता है, इससे यहाँ गांव में भोजन बनाया जाता है। वो इतना रसीला होता है ना कि आपको क्या बताएं। आप इसको देखकर समझ सकते हैं काफ़ी साफ सफाई है, इसके बावजूद भी कहीं से एक बेजुबान आके यहाँ छिपा पड़ा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मशक्कत करते हैं, थोड़ा सा जद्दोजहद, शायद सांप यहाँ छिपा पड़ा है। हाँ, ये देखिए दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है आपको, देखिए दिख रहा है। आप देखकर समझ सकते हैं, ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ रसोई है और कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ तो निरंतर आना जाना बना है, क्योंकि रसोई है तो भाई भोजन लेने, भोजन बनाने, तमाम प्रकार की चीज़ें। एक लोग आइए हेल्प करिए थोड़ी सी। आप गैस पकड़िए। और इस सिलेंडर के बारे में हम क्या कहें, इतनी महंगाई हो गई है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी ध्यान दें। बेचारे गरीब चूल्हा पे खाना बनाने पे मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, मैं उस और कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस सरकार से एक ही निवेदन करूँगा, थोड़ा इस पर इसका जो मूल्य बढ़ोतरी है उस पर थोड़ा सा निरंतर करें, क्योंकि गरीब इंसान नहीं भरवा पाता है। ऐसे में सिलेंडर पड़ा रहता है और खाना चूल्हे पर बनाना पड़ता है। चलिए वीडियो में बने रहिए। ये देख सकते हैं आप, सांप यहाँ छिपा पड़ा है और बहुत ही कम ऐसी मंजर देखने को मिलता है कि किचन में आके बैठा है। हालांकि किचन में इसके खाने के लिए भोजन तो नहीं, लेकिन चूहा आता जाता रहता है और उसी चूहे को खाने के लिए ये लोग आते हैं। ठीक है, जहाँ इंसान रहता है वहाँ पे अनाज होता है और अनाज को खाने के लिए चूहा आता है और चूहे को खाने के लिए आते हैं। आप इसे देखकर समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हाथ लगाते हैं, हो सकता है खतरा, क्योंकि जीवन का क्या है, जीवन तो एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा इस धरा को और आप लोगों को अलविदा कह जाएंगे। चलिए लगाते हैं, आज जो होगा देखा जाएगा। ये देख कर समझ सकते हैं, ये देखिए इसे आप देख कर समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे भारत देश का, ये देख सकते हैं आप,
ये देख के समझ सकते हैं आप। इसका फुकार सुनिए, ये देखिए काफ़ी आक्रामक रूप लेता हुआ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये देखिए। कभी भी ऐसा सांप दिखे आप लोग तुरंत दूरी बना लें। चलिए इसको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, निकालते हैं। ये देखिए, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। कभी भी अगर ये सांप दिखे तो आपको दूरी बना लेना है। चलिए थोड़ी सी छेड़छाड़, थोड़ी सी जद्दोजहद, तो थोड़ी सी मशक्कत करते हैं और इसको बाहर लेके आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे अपने आक्रामक रूप में आ चुकी है। ऐसे बेजुबान जीवों को देखकर मारे नहीं बचाएं, और हमारी टीम लगातार, और हमारी टीम ही नहीं अपितु हमारे भारत देश में कई ऐसी टीम है जो इन बेजुबान जीवों को बचाने के लिए निरंतर काम कर रही है। और आज हम बनारस के पावन सरजमी पे आए हैं, और ये भगवान भोलेनाथ के गले का हार है, इसको बचा के ले चलेंगे, इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे। वीडियो में बने रहिए क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए निकालते हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए, घर में थोड़ा धुआं सा हो रहा है आँख में। चलिए चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसको लेकर आएंगे बाहर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। चलिए इसको बाहर लेके आते हैं, और आप वीडियो में बने रहिए। कभी भी वीडियो को देखकर ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। चलिए बाहर चलिए आप लोग, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे। ये हमारे भारत देश का दूसरा सबसे जहरीला सांप है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसको भारतीय भाषा में लोग नाग कहते हैं, कहीं कहीं गेहूं, कहीं कहीं फिटार, तो कहीं कहीं पलटू कहा जाता है इसे। और ये कभी भी गलती से अगर किसी को बाइट कर ले तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जहाँ पे आपके प्राणों की रक्षा होगी। आप किसी भी तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी की झाड़ फूक के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे में आपके साथ हादसा होना तय है। इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा, और भारतीय भाषा में इसको लोग नाग के नाम से जानते हैं। इसको श्रद्धा में इसको पूजा भी किया जाता है इसका, तो कभी भी पूजा पाठ करिए, श्रद्धा रखिए, लेकिन ऐसा सांप दिखे तो आप दूरी बना लें, क्योंकि इसके काटने के बाद आपको मात्र 40 से 45 मिनट का टाइम मिलेगा हॉस्पिटल जाने के लिए। और ऐसे में अगर आप तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, झाड़ फूक या किसी भी दवा पीने पिलाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपके साथ हादसा होना तय है। इसको देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। कभी भी ऐसा सांप दिखे और आप वीडियो को देखकर कभी भी कॉपी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे में आपके साथ हादसा होना तय है। ये हम लोगों की ट्रेनिंग है, और हम लोगों का थोड़ा सा जो है इन लोगों के प्रति ये प्रेम है जो हम लोग ऐसा कर पाते हैं, अन्यथा हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। चलिए इसको करते हैं पैक और ले चल के इसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ देंगे।